अब विमान हादसा राजस्थान के भरतपुर में हुआ है, जहां पर एक विमान जो आगरा से उड़ान भरता है और राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हो जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सेना के अफसर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो इलाका था जहाँ विमान क्रैश हुआ है उस इलाके को अब सेना और पुलिस के जवानों ने, रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी श्याम सिंह ने पूरे इलाके को खाली करा दिया है। जो भीड़ थी, हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर जमा थे, वो यहाँ से उनको हटाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, उनको हटाकर यहाँ पर बल प्रयोग भी किया गया हल्का और उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। सेना ने पूरे जो इलाका है उसको अपने उसमें ले लिया है। वायुसेना के अफसर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ब्रिगेडियर दाइकर एटाला और कर्नल संदीप सिंह पहुंचे हैं। इसके अलावा वायुसेना के कुछ और अफसर यहाँ से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। रेंज आई जी गौरव श्रीवास्तव से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया है कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि ये विमान किस एजेंसी का था। जांच जारी है, लगातार विमान के जो टुकड़े हैं उनको जांच करने का काम चल रहा है। जो सेना के अफसर है, वायुसेना से जुड़े जो लोग हैं, अधिकारी है, वो लोग सब टीम जो उनकी है वो जो विमान के जो टुकड़े उनकी जांच कर रही है। लेकिन बड़ा हादसा है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जो रह जाएगी वर्ष श्रीवास्तव ने हमको बताया है कि उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। जी, और क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई कि विमान में कितने लोग थे? देखिए, विमान का जो टुकड़ा है, जो टुकड़े हैं पूरी तरीके से विमान क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसमें जो दो हेलमेट मिले हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है विमान के अंदर दो पायलट होंगे, एक पायलट होगा, एक को पायलट होगा। अब वो कहाँ इजेक्ट हुए ये पता नहीं चल पाया, लेकिन लगातार ये जरूर बात स्पष्ट आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि की बात अभी मना कर रहा है प्रशासन के जो अफसर हैं। अब बड़ी बात ये होगी कि देखने वाली बात होगी कि किसमें क्या चीज निकल कर सामने आती है। जी, और देवेंद्र, जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं और बताया ये जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है, काफी लोग यहाँ पर इस दौरान इकट्ठा हो गए, वो इलाका किस तरह का है? देखिए, रेलवे स्टेशन के पास कटता हुआ इलाका है, लेकिन गांव चक नगला बीजा है, उसके बिल्कुल एड ज्वाइनिंग सटे हुए पास, मुझसे कह सकते हैं पर उस गांव की बिल्कुल आबादी से 10 मीटर या 20 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। अगर ये विमान और आगे चला जाता तो पूरे विमान ये गांव में चला जाता और कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी, लेकिन ये उससे गांव की बिल्कुल सटी हुई आबादी से 5-10 से 20 मीटर दूरी पर ही एक गड्ढे में धस गया और विमान के परखच्चे उड़ गए। लगातार उसके विमान के टुकड़े यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। जी, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनकी भी मदद वहां पर ली गई? किसी चश्मदीद से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बताया जिसने ये हादसा होते हुए देखा? देखिए, एक सेना के ही रिटायर्ड आर्मी मैन है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने सेना के अफसरों को भी बताया, पुलिस प्रशासन के अफसरों को भी बताया कि ये विमान, ये जो प्लेन है, ये विमान है, ये आगरा की तरफ से उड़कर आया था, तो ये पास ही में जगह है गीरमपुरा, वहां की तरफ से जलता हुआ आया था और ये आकर अचानक से ऊपर से खड़ाकर धरा से ही हो गया था। जी, यानी हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जिसकी वजह से विमान में पहले ही आग लगी होगी, ये अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है? देखिए, अभी ब्लैक बॉक्स विमान का नहीं मिल पाया, खोजने का लगातार प्रयास जारी है क्योंकि जिस तरह विमान के परखच्चे उड़े हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं और ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कवायद लगातार जारी है। सेना के अफसर इस कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया जाए ग्वालियर में मुरैना के पास भी इस तरह का कोई हादसा बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह के बात प्रशासन के अफसर कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि दोनों विमान आपस में पहले टकराए और उसके बाद में इस तरह का हादसा सामने आया। जी, नहीं, क्या यहाँ पर कोई अभ्यास की बात की जा रही है कि प्रैक्टिस हो रहे थे, प्रैक्टिस सेशन के दौरान यह हादसा हुआ है? जी, निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी इस बात पे पूरी तरीके से मोहर नहीं लगाई जा सकती क्योंकि लगातार इस चीज को कवायद की जा रही थी कि भाई किसी तरीके से इस चीज को, ये प्रैक्टिस जो ग्वालियर में चल रही थी, सेशन, एयर सेशन चल रहा था, उसके दौरान ये विमान उड़े और ये हादसा सामने आया, इस तरह की बात अभी तक सामने आई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक के बाद एक दो विमान हादसे आज हुए हैं। एक तरफ पहली तस्वीर राजस्थान के भरतपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आगरा से उड़ान भरता हुआ विमान जब यहां तक पहुंचा तो हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, मध्य प्रदेश